हेलो सीआईडी, यहाँ जल्दी आ जाओ, चोरी हो गई। क्या साहेब ओवर एक्टिंग कर रहा है, मैं करके रो रहा है ये तो। अबे साले ये गोली मार दी ना तो हक देगा यहीं के यहीं। अभी सीआईडी को फोन लगाता हूँ। हेलो सीआईडी, यहाँ जल्दी आ जाओ, चोरी हो गई। अच्छा चोरी हो गई? हाँ जल्दी आ जाओ, बहुत बड़ी चोरी हो गई। ठीक है दादा, चोरी हो गई। अरे यार मध्य प्रदेश की सीआईडी बहुत जल्दी आ जाती है। दया कुछ दिखा क्या साहब? ये रोज रोज नीचे हो जाता है। तो साहब देखो इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। हाँ इसका मतलब समझे दया? क्या साहब? इसका मतलब दया ये लड़का रो रहा है। अरे साहब जब आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो रो ही रहा होगा ना। क्या साहब ओवर एक्टिंग कर रहा है, मैं करके रो रहा है ये तो। दया इसको बंदूक दिखाओ तब चुप होगा ये। अबे साले ये गोली मार दी ना तो हक देगा यहीं के यहीं। चल चल डरे मत, बता क्या दिक्कत है। अरे साहब मैं वहाँ बचपन से प्यार करूँ, जब मैं नहाता था तो उसे नहाता था, जब उसे धोता था तो सुखाता था, उसे कोई चुरा कर ले गया। अबे साले सांप की नकल कर रहा है। नहीं साहब मैं तो ऐसे ऐसे करके बता रहा था। इसको नीचे कर ले नहीं तो फिर मारेंगे साहब, चोरी हो गई तेरी। समझ रहे हो दया? क्या साहेब? किसी चोर ने चुरा ली उसे। अच्छा चलो दया अब उस चोर को ढूंढा जाए अपनी। चलो तो अब तुम आराम कर लो, दो दिन में तुम्हारी चीज मिल जाएगी। ये घर के सामने कुछ दिख रहा है दया? हाँ साहब घर का दरवाजा खुला है। अरे नहीं नहीं तुम्हारा डाक खाना खुला है। तो उसका दरवाजा क्यों देख रहे हो साहब? उसका दरवाजा तो फेल है। तो दया दरवाजा तोड़ दो। साहब दरवाजा खुला हुआ है, तोड़ने की क्या जरूरत है? लो दया अब तोड़ दो दरवाजा। यार एकदम गधा है क्या? जब दरवाजा खुला हुआ है तो उसको क्या जरूरत है तोड़ने की? क्या फालतू का काम करवाते रहते हो आसाब? अरे तुझे इसीलिए रखा है। ये सब फालतू के काम निकलने का आसाब, मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगा मैं। अरे ये नौकरी तो मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ यार, 24 घंटे दरवाजे तोड़वाते रहते हो, खुद एसीपी बने हुए नस हाथ हिलाते रहते हो। अरे यार दया तू क्यों गुस्सा कर रहा है, बंदूक उठा। साहब बंदूक लाना तो भूल गया मैं। गेट खुला हुआ उसके बाजू उल्टी सीधी बात कर रहे हो आप। चलो तो सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करना है साहब? चलो केस सॉल्व करते हैं। अरे क्या साहब ये गेट खुल गया। क्या हुआ क्या हुआ दया? अरे साहब कांटा चुभ गया है। इसका मतलब समझे दया? क्या साहेब? इसका मतलब कांटा तुम्हारे अंदर घुस गया है।
मिल गया है साहेब, सबूत मिल गया। इसका मतलब समझे दया? क्या साहेब? इस लड़की ने मुजरिम को देखा है दया। तो अब क्या किया जाए साहेब? चलो दया इसे ढूंढते हैं। तो इसे ढूंढने से क्या होगा साहेब? हाँ यार, उसने बताया ही नहीं क्या ढूंढना है। चलो तो साहेब उससे पूछते हैं क्या ढूंढना है। आदि, तो जो चीज ढूंढने को कह रहा ना वो नहीं मिल रही। हा? इस केस में चाहिए हमें तेरी मदद। अच्छा ये बता, उस दिन क्या क्या हुआ था? तो उधर देखो साहब, बाहर आकर टांग कर चला जाता था। अच्छा तो ये बात है, तेरी चड्डी चोरी हो गई है। हाँ साहब। उसका निशान, उसका चेहरे का निशान, उसका हुलिया वगैरह कुछ, उसके चाल चलन कुछ याद है तेरे को? कुछ पता है? हाँ साहब। साहब बड़े खून पसीने की मेहनत से तो एक चड्डी खरीदी थी, उसमें भी छेद हो गया और उसे कोई चुरा कर ले गया। उस दिन और क्या हुआ था? तो उस दिन बताऊ ना साहब, मैं चड्डी टांग कर आ रहा था। हाँ तो साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो चोर ऐसे ऐसे कर रहा था। क्या यही चड्डी तेरी? जी साहब। साहब जली वाली में, जली वाली मेरी चड्डी। साले बुड्ढे चड्डी चोर। इसका मतलब समझे दया? क्या साहेब? यहाँ से भागो दया।